वैसे इस पर इतना लोड क्यों पड़ रहा है? ये ट्रक अभी तो सही काम कर रहा था और अभी जो है इस पर इतना लोड पड़ने लग गया है। ये इतने टायर हवा में उठ रहे हैं, ये पूरा ट्रक आगे से व्हीली मार रहा है। आ, कितना ऊपर जाएगा? तो मैं 2 दिन से जो है अपने नए वाले काओ बांस पे काम कर रहा हूँ और ये वाले काओ बांस में तो अभी खाना थोड़ा बहुत है और नए वाले काओ बांस में मैंने खाना जो है पूरा सप्लाई कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है वहाँ पे जो है काओ बांस को पूरा रेडी करने में। मतलब वहाँ पे जो है खेत था, उस खेत को जो है पूरा सही करना पड़ा मुझे। वहाँ पे मैंने जो है 2-3 चेंजेस और भी किए हैं और वहाँ पे खाना तो पूरा लग के डाल दिया है। मतलब रॉ मटेरियल जितना भी चाहिए सारा सप्लाई कर दिया है। तो एक में तो मैंने मिनरल फीड सप्लाई कर दिया है तो उस वाले काओ बांस में तो जो है खाना बनना शुरू हो गया। 2 में मुझे बस थोड़ा सा मिनरल फीड सप्लाई करना है तो वहाँ पर भी खाना बनना शुरू हो जाएगा। तो आज काम करते करते शाम हो गई है और आज की वीडियो जो है ये शाम को स्टार्ट हो रही है और अभी जो है शाम हो गई है इसलिए थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रखा है और सितंबर का मंथ चल रहा है और अभी जो है नए वाले फार्म्स पे भी मैंने जो है ट्रैक्टर्स को लगा दिया है। वहाँ पे जो है वीट का जो है क्रॉप लगानी स्टार्ट करनी है और ये है अपने काओ बांस वाला एरिया। तो यहाँ पर जो है मैंने 3 काओ बांस बनाए थे और ये खेत था तो खेत पूरा का पूरा सही कर दिया है और उसके अलावा यहाँ पर ये गाड़ियों की पार्किंग बना दी है और यहाँ पर जो है आराम से 8 गाड़ियाँ तो आ सकती हैं। अभी मैंने 5 गाड़ियाँ यहाँ पार्क कर रखी हैं जो इधर यूज़ हो रही थी और 1-2 ट्रैक्टर वगैरह यहाँ पार्क कर दूंगा। बाकी मैंने कुछ लाइटें वगैरह लगाई हैं और अभी आज रात हो जाएगी तो वो लाइटें भी जो है चेक हो जाएंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर और लाइटों की रिक्वायरमेंट होगी तो वो लाइटें भी लगा दूंगा। और एक ही वाली गाड़ी मैं नई परचेज़ की है और ये पिकअप ट्रक है और इसमें पीछे जो है लोडिंग का भी एरिया है और ये थोड़ा विंटेज वाला है और इसका पिकअप काफ़ी सही है और इसका इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके इंटीरियर तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल पुराने टाइप का है। बट अगर मैं इसका पिकअप दिखाऊं तो इसका पिकअप इतना अच्छा है, ये फटाफट से स्पीड पकड़ लेता है। इतना तो कोई पिकअप ट्रक स्पीड नहीं पकड़ता। अपने जो मतलब यहाँ पे बाकी पिकअप ट्रक भी खड़े हैं वो भी इतनी तेज़ स्पीड नहीं पकड़ते। ये ऐसे यहाँ तक ही 70 तक पहुँच गया। तो इसको तो यहीं पार्क करता हूँ और बाकी ये टोयोटा वाला पिकअप ट्रक तो पहले देखा ही है, वो मर्सिडीज़ वाला ही पुराना ही है। उधर अपनी जो है टेस्ला खड़ी हुई है और एक BMW X7 खड़ी हुई है, ये तो पहले से ही पुरानी गाड़ी है। तो आज मैं वो 2 गाड़ी भी दिखाने वाला हूँ जो स्पेशल वाली SUVs थी जो मैंने कहा था कि मैंने अपनी पुरानी पार्किंग में पार्क कर रखी है और उनका थोड़ा अलॉय वगैरह का डिसाइड नहीं हो रहा है, वो भी डिसाइड हो गया है तो उन्हें ही मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में आज। और बाकी यहाँ पे ये लाइटें वगैरह लगाई हैं, ये नई लाइट आई थी तो इन्हें चेक करना पड़ेगा कि ये रात को जो है कितनी इफेक्टिव है। और इधर काओ बांध में दिखा देता हूँ, यहाँ पे खान तो सब डाल दिया है और यहाँ से जो है मैं कोई लेवल नहीं करना है क्योंकि इधर से जो है इसका आने का रास्ता है तो इधर गाड़ियाँ लेके जानी ही नहीं है। और एक बार यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पे ही रहा, यहाँ पे काफ़ी सारा साइलेज आ गया है। इधर ये स्ट्रो है और यहाँ पे जो है है और इस वाले में जो है बस मुझे यहाँ पे मिनरल फीड डालना है और उधर वाले में मैंने जो है सारा का सारा डाल दिया है। और ये वाला बेल लोडर मैंने यूज़ किया है, इससे मैंने सारी बेल्स ला के डाली हैं और इनमें मैंने काफ़ी सारा डाल दिया है। इसमें तो जो है स्ट्रो काफ़ी सारा एक्स्ट्रा भी डाल दिया है। यहाँ साइलेज थोड़ा सा कम है बट अभी काम चल जाएगा, साइलेज काफ़ी कम लगता है। और इसमें मैंने मिनरल फीड भी डाल दिया है तो यहाँ पर खाना बनना शुरू भी हो गया होगा। एक बार इसे ओपन करके यहाँ देख भी लेता हूँ। वैसे जब काओस को रिक्वायर्ड होते हैं तो यहाँ पे एक रोबोट है, ये इसके अंदर है, ये रहा, ये खाना बना के ले जाता है और यहाँ से जाके इधर जाके जो है काओस को डाल देता है और काओस खा लेती हैं। अभी तो उसने डाला है नहीं, वैसे यहाँ बनना स्टार्ट हो गया है। एक काओस कुछ खा रही है, थोड़ा बहुत डाला होगा। बाकी मैंने जो है 1-2 चीज़ें नई परचेज़ की हैं, जो जो मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी वो मैंने परचेज़ कर लिया। जैसे लास्ट टाइम जब मैं वहाँ पर कल्टिवेटर लेके गया था नए वाले खेत पर तो जो ट्रेलर था उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आया था, तो मैंने जो है एक नया ट्रेलर परचेज़ कर लिया है, ये वाला। ये बिल्कुल फ्लैट है, उसमें थोड़ा सा आगे से ऊंचा था, वहाँ ट्रैक्टर पार्क ही नहीं हो पाता था तो इसको मैंने यूज़ करके देखा नहीं है। और अभी मैंने ये रेंट पे लिया है तो ख़रीदा नहीं है, अगर ये सही लगेगा तो उसको ख़रीद लूँगा, नहीं तो इसको जो है रेंट पे रखूँगा। और इसमें थोड़ा सा स्पेस उससे ज़्यादा है क्योंकि इसमें स्पेस आगे वेस्ट नहीं होता। एक ही वाला लिया है तो ये बिल्कुल ज़मीन के नीचे तक हो जाता है और इस पर कोई अटैचमेंट वगैरह मुझे रखनी हो तो मैं ईजिली ट्रैक्टर इसके ऊपर से जाके यहाँ रख सकता हूँ, उसके बाद अटैचमेंट को हटा के यहाँ ट्रैक्टर जोड़ के इसको ऊपर उठा सकता हूँ। तो इससे जो है थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, मतलब इसमें मैं किसी गाड़ी को अटैच कर लूँगा तो जल्दी से चला जाएगा। मतलब गाड़ी तो 100-150 तक भी चली जाती है तो थोड़ा तेज़ी से मैं अटैचमेंट को ले आ सकता हूँ। और ये ट्रक तो जो है पहले ले ही रखा है, ये यहाँ पार्क हो रखा है और एक ये वाला है, तो ये दोनों भी जो है आज नए वाले फार्म के वहाँ पर जाने वाले हैं। और जो है ट्रैक्टर मैं लास्ट टाइम लेके गया था नए वाले फार्म पर तो इसको मैं लेके आया हूँ क्योंकि अब मुझे यहाँ से जो है सीडर लेके जाना है, वीट की क्रॉप लगानी है क्योंकि अभी सेप्टेम्बर का मंथ है और वीट ही लग सकता है और वीट अभी चाहिए भी क्योंकि मुझे स्ट्रो काफ़ी सारा चाहिए होगा जो वीट से भूसा निकलता है तो वो अपने काउस के खाने के लिए ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ होता है। उसके अलावा गेहूं जो है पिक्चर दे सकता हूँ और अपनी जो ग्रेनरी है वो भी गेहूं से चलती है, मतलब वहाँ आटा वगैरह बनता है और उस आटे से अपनी बेकरी वगैरह चलती है। बाकी वहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि अभी जब मौसम आएगा मतलब अप्रैल या मई का मौसम होता है तब मैं वहाँ पर ग्रेप्स लगाऊँगा काफ़ी सारे,
और ओलिव के फार्म्स बनाऊंगा। तो मैंने वहाँ पे खेत इसलिए परचेज किया कि मैं बड़े बड़े ग्रेप्स के फार्म लगाऊंगा वहाँ पे, और ग्रेप्स की खेती करेंगे और ओलिव्स की भी करेंगे, और वो दोनों काफ़ी सही हैं एक बार लगा के, उसमें जो है फिर दिक्कत नहीं है। और बैलेंस अभी अपना काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है, क्योंकि जो अपना नया वाला सोलर फार्म है और जो मैंने विंड टर्बाइन लगाई हुई है उससे बहुत सही प्रॉफिट आ रहा है, और जो मैंने अपने यहाँ पे फार्म पे पीछे बिल्डिंग्स लगाई हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उससे भी रेंट आता है, तो वहाँ से भी जो है काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। तो अभी पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक सीडर परचेज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे काफ़ी सारा रॉ मटेरियल अभी पड़ा हुआ है ये जो मैं लेके गया था अपनी काउस के लिए, तो कुछ बेल्स वगैरह यहाँ बच गई थी, ये मैं बाद में ले जाऊँगा, ये तो अब जरूरत पड़ती ही रहेगी सामने, क्योंकि काउ बान है तो उसमें जो है काफ़ी सारा जो है रॉ मटेरियल जाना है। अभी मेरे को यहाँ से सीडर लेना है, और सीडर में सबसे बड़े वाला लेने वाला हूँ, ये सीडर, और इसमें जो सबसे बड़ा सीडर आता है वो एक तो ये वाला है, इसकी जो है विड्थ है 12 मीटर और इसकी 15 मीटर, तो ये 15 मीटर वाले में मैं जो है साथ में फर्टिलाइजर भी डाल सकता हूँ, तो इसमें जो है फर्टिलाइजर भी लोड हो जाएगा और सीड भी लोड हो जाएंगे, और दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, जब अपने खेतों में सीड लग रहे होंगे तभी फर्टिलाइजर भी लग जाएगा। और ये जो है लीज पे देखता हूँ कितने का पड़ रहा है, 10,000 का पड़ रहा है, बट ये ले ही लेता हूँ, उसको पार्क करके रखूँगा, अब तो बैलेंस आ ही रहा है अच्छा खासा, तो अब क्या रेंट पे लेना, बार बार लेना वापस करना है, इससे बेटर एक बार परचेज करो और फिर हर बार का जो है झंझट ही खत्म। इसके लिए मुझे सीड्स लेने हैं और इसके लिए मुझे फर्टिलाइजर लेना है, और इसमें सॉलिड वाला फर्टिलाइजर डलेगा, तो ये है सॉलिड वाला फर्टिलाइजर, और इसके अभी इसमें शायद 2 बैग आ पाएंगे, देखता हूँ पहले, अगर 2 में फुल नहीं हुआ तो फिर और ले लूँगा, अभी 2 बैग ले लेता हूँ, और एक बैग जो है सीड्स का ले लेता हूँ, सीड्स का बैग ये रहा, सीड्स के भी इसमें जो है 2 आ ही जाएंगे, 2 ही ले लेता हूँ। यहाँ पे आ गया है सीडर ये रहा, और इस सीडर को मैं ट्राई करूँगा इसके ऊपर चढ़ाने की, अगर इसके ऊपर चढ़ गया तो ईजिली चला जाएगा, और फिर मैं ऐसा जो है एक सीडर और ले लूँगा, तो इस पर जो है 2 सीडर तो आराम से आ जाएंगे, और ट्रैक्टर्स को मैं बाद में लेके चला जाऊँगा, फिलहाल अभी जो है इसमें मुझे ये सीड्स और फर्टिलाइज़र फिल करने हैं, तो इसके लिए एक ट्रैक्टर चाहिए होगा, यही वाला ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे 2 ही बैग आए हैं, ये बैग है, ये क्या है, ये फर्टिलाइज़र है शायद, और जो है सीड्स के बैग हैं वो यहाँ पर आ गए, हाँ ये सीड्स के बैग यहाँ पे आ गए, तो ट्रैक्टर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा एक बार, और ये तो इतना बड़ा है, इसको तो जो है मोड़ने वोड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, पहले ये वाले फिल कर लेता हूँ। एक में जो है 20% फुल हुआ है, तो इसका मतलब जो है इसमें 5 बैग लगेंगे, 41% हुआ है, इसे मैं फुल ही कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार फिर आने की झंझट नहीं रहेगी यहाँ पे, एक बार पूरा फुल ही करके ले जाऊँगा, तो इसे ट्रांसपोर्ट करना इतना इजी भी नहीं है, और वो खेत काफ़ी दूर है, और वहीं पे इसे यूज़ करना है, वहीं पे जाता सारे खेत मैंने परचेस कर लिए हैं, इधर के खेत तो मैंने जो है सारे बेच दिए हैं, क्योंकि इकट्ठा जो है फार्मिंग का वहीं पे हो जाएगा, और इधर अपना जो है एनिमल्स वगैरह का हो जाएगा। 3 बैग सॉलिड फर्टिलाइजर के ले लिए और 3 बैग सीड्स के और ले लेता हूँ, तो ये पूरा फुल हो जाएगा, इसमें 100% फर्टिलाइजर हो जाएगा और 100% सीड्स हो जाएंगे। तो इस बार जो है उधर की साइड आ गए सारे के सारे बैग, और इसे जो है इधर ही लेके जाना पड़ेगा। और ये वाला जो टेम्पो है छोटे वाला, ये भी मैंने नया परचेज़ किया है, और ये मैंने मिनरल फीड वगैरह सप्लाई करने के लिए परचेज़ किया है, इसे भी दिखाता हूँ अभी, क्योंकि अभी काउ बान ने मिनरल फीड डाल के आने हैं। सीड्स के तो 1 बैग में 33% फुल हो गया, तो सीड्स की कैपेसिटी कम है, फर्टिलाइजर की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसको मैंने पूरा रिफ़िल कर लिया है, 4800 लीटर तो फर्टिलाइज़र आ गया और 3000 लीटर आया है इसमें सीड, तो सीड की कैपेसिटी थोड़ी कम है, क्योंकि सीड लगते भी कम है, फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो इसको थोड़ा मोड़ने में मुश्किल हो रही है। अभी इसको यहीं पार्क करके रखता हूँ, और वहाँ से इस वाले ट्रक को लेके आऊँगा, और तब उस पर लोड करके देखूँगा, फिलहाल इस वाली गाड़ी की ज़रूरत है, इसको भी ले लेता हूँ एक बार। और इसके इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब ये छोटा सा टेम्पो है, तो इसमें जो है ओल्ड स्टाइल का म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, और लेफ्ट में यहाँ पे जो है GPS के लिए अलग से लगा रखा है, और इसके रियर व्यू मिरर तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और इसके अंदर ये लाइटों का भी जो है सही है, काफ़ी ब्राइट है, इसकी लाइटें ऑन कर दो तो सारे यहाँ पे जो है कंट्रोल्स वगैरह दिखते हैं, और इसके इंडिकेटर वगैरह भी ठीक हैं, तो एक आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, और उसके टर्न इंडिकेटर जो है थोड़े से पुराने स्टाइल के हैं बट अच्छे लग रहे हैं। और इसके पीछे एक कवर लगा हुआ है, सामान रख के मैं कवर ढक सकता हूँ, इसमें मैंने मिनरल फीड ऐड कर रखा है, और इसका मैं अगर कवर खोल दूँ तो ये रहा मिनरल फीड जो काउस को देना होता है, तो ये काउस का खाना बनाने के लिए चाहिए होता है, और ये लगता तो काफ़ी कम है, मतलब जो 3 चीज़ें हे स्ट्रो और साइलेज वो ज़्यादा लगते हैं, ये काफ़ी कम डलता है खाने के अंदर, तो इसका जो है एक बार में जो है 3-4 पैकेट ही लगते होंगे बनाने के लिए, तो इतना सफिशेंट होता है। तो ये मैंने ये एक काउ बन के अंदर सप्लाई तो कर दिया, 2 में रहता है, तो अभी इसका पीछे कवर लगा देता हूँ, और इधर सामने वाले में देना है एक, तो और ये सही है,
यहाँ पे जो है थोड़ी जगह कम है, तो बड़े वाले ट्रक वगैरह मैं लेके आऊँ तो उन्हें मोड़ने वोड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला टेम्पो ले लिया। तो भी यहाँ मिडिल फील्ड सप्लाई करना है, पहले मैं इसका कवर खोल लूँ क्योंकि ज़्यादा भी सप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, बस बस इतना काफ़ी है। आधा सप्लाई कर दिया, आधा जो है दूसरे वाले ने सप्लाई करना है। यहाँ से इसको जो है वापस मोड़ लेता हूँ, यहाँ पे खाना बनना शुरू हो जाएगा, और ये जो राइट वाला इसमें भी खाना बनना शुरू हो गया, और अब जो है एक और है सामने उसमें और सप्लाई कर दूँ तो उसमें भी जो है काओ सा खाना बनना शुरू हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे सप्लाई करना है, तो ये सारा सप्लाई कर दिया, और इसको भी यहीं छोड़ता हूँ क्योंकि मिनरल फीडर काम तो अभी चल जाएगा काफ़ी टाइम तक, दोबारा लाना होगा तब इसको ले जाऊँगा। और यहाँ पे तो मैंने जो है काफ़ी सारे हे बेल्स और स्ट्रॉ बेल्स ला के डाल दिया, क्योंकि जो मैंने परचेज किए तो बचे हुए तो सारे सारे ला के मैंने यहाँ पे डाल दिए, तो यहाँ पे जो है काफ़ी लंबे टाइम तक हे बेल्स की और स्ट्रॉ बेल्स की जरूरत नहीं पड़नी। तो सैलेज भी यहाँ पे काफ़ी सारा है, और टाइम टाइम मैं यहाँ पे ला के जो है ना रिफिल करता रहूँगा, मतलब एक बार में एक बेल लोडर फुल करूँगा, और अपने जो चार काओ बाने तीन यहाँ पे और एक अंदर वहाँ पे है फार्म पे, तो सबका जो है टाइमली रिफिल होता रहेगा, मतलब एक दो बेल्स यूज़ होती रहेंगी और एक दो मैं और डालता रहूँगा, तो जो है इसमें खाना मेंटेन रहेगा। बाकी यहाँ पे जो है ये स्लरी लेने के लिए, उससे एड मिल्क लेने के लिए, और अभी काउस ने मिल्क देना शुरू तो किया नहीं है क्योंकि जो है काउस को अभी पूरा प्रॉपर खाना ही नहीं दिया था, और अब खाना देना शुरू कर दिया था और मिल्क देना शुरू कर देगी क्योंकि सारी काउस बड़ी हैं, मैंने पहले ही जो है 18 मंथ से ज़्यादा की परचेज़ की थी, जैसे ही इन्हें खाना वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा ये मिल्क देना शुरू कर देंगी। बाकी अभी एक बार नए फार्म पर चलना है तो पहले इस वाले ट्रक को यहाँ ला के इस ट्रैक्टर को देखता हूँ कि उस पर लोड हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो पाए तो ज़्यादा मैं ट्राई नहीं करने वाला, फिर मैं सीधा इसको जो है ट्रैक्टर के साथ ही लेके चला जाऊँगा। और ये वाला ट्रक के मैंने इंटीरियर दिखाए नहीं थे, वैसे तो इसके इंटीरियर कोई इतने खास नहीं है, बस का कलर अच्छा है इंटीरियर का, बाकी ट्रक जैसे ही है इंटीरियर। और ये रेनॉल्ट का ट्रक है, और सामने इसमें जो है फ़ोन रखा हुआ है, और एक एक कप रखी हुई है कॉफ़ी की, और इधर जो है पीछे बेड है, और इधर लाइटें वगैरह भी लगी हुई हैं अंदर, वैसे लाइटें इसके अंदर की ऑन करूँगा एक बार, इसके अंदर की लाइटें जो है छोटी सी हैं ऊपर, ये जो ऑन हो रही है ये वाली, तो ये तो इतनी ज़्यादा नहीं है, वैसे केबिन में इतनी ज़्यादा लाइट की जरूरत पड़ती भी नहीं है, और आगे की काफ़ी ब्राइट है ये, जैसे मैंने आगे की ऑन की तो आगे तो काफ़ी रोशनी होगी, और अभी ऑलमोस्ट रात होने वाली ही है वैसे। अब इस ट्रक को तो पार्क कर दिया, और अभी तो एक और इशू मुझे लग रहा है कि ये ट्रैक्टर के जो है ना टायर्स कितने बाहर जाएंगे वो भी देखना पड़ेगा, ये रैम तो जो है काफ़ी छोटा लग रहा है इसके हिसाब से, पहले वाले जो ट्रेलर था उसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा थी, इसकी विड्थ थोड़ी कम है। अब यहाँ पे ये बाहर ना उतरे इससे ना, बस नहीं एक बार फिर से रिवर्स करके लाना पड़ेगा सही से ना, ये इधर से इतना ही चढ़ पाया है, इसका जो पीछे सीडर लगा हुआ है वो नीचे ट्रेलर के रैंप पे ना टच हो गया। एक मिनट, ये ट्रेलर के रैंप की थोड़ी हाइट एडजस्ट हो जाए ना तो काम बन जाएगा। यार ट्रेलर के इस रैंप को ही उठा के देखूं मैं, इसने ऊपर उठा तो लिया है, तो रैंप भी तो इसका ऑटोमेटिक वाला है, ये सीधा अंदर चला जाता है। अब रैंप अंदर चला गया, वैसे तो जो है मैं इसको ऐसे भी ले जा सकता हूँ क्योंकि पीछे उसके टायर ज़मीन पर हैं तो ईजिली जो है चला जाएगा, एक बार थोड़ा चला के देखूँ। पहले मैं इसमें जो है ना बेल्ट बांध लेता हूँ, यहाँ पर बेल्ट बांधने से क्या है ना ये खिसकेगा नहीं। एक बेल्ट यहाँ बांध दी, एक यहाँ बांधता हूँ, इस पर भी एक बेल्ट तो बंद गई ये रही ऊपर, ठीक है चला जाएगा, ऐसे लेके चलता हूँ, लग तो ना मुझे कोई इशू होने वाला क्योंकि बेल्ट भी जो है टाइट कर दिया है। और इसके एक बार टायर देख लूँ, पीछे के टायर टच हो रहे नहीं हो रहे, वैसे इस पर इतना लोड क्यों पड़ रहा है, ये ट्रक अभी तो सही काम कर रहा था और अभी जो है इस पर इतना लोड पड़ने लग गया है। और वैसे जो पीछे सीडर है ना वो थोड़ा हवा में ही है, उस पर जो टच हो रखा है तो उसके टायर नीचे टच हो नहीं रहे, क्या हो गया इस ट्रक को, ये सिर्फ 8 की स्पीड तक ही पहुंच पा रहा है, इससे ऊपर जा ही नहीं पा रहा। ये वैसे तो ट्रक 750 हॉर्स पावर का है, बट इसमें लग तो नहीं रही 750 हॉर्स पावर वाली कोई भी चीज़। पीछे ट्रैक्टर तो सही से लोड हो गया है बट ये जो है इशू कर रहा है, तो सारी बेल्ट खोल दी, एक बार थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि क्या पता अब ये ऊपर चला जाए, नहीं ये नहीं जाएगा। एक काम करता हूँ, इस ट्रक को हटाता हूँ और अपना टेस्ला वाला ट्रक लेके आता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसको यहीं पार्क करता हूँ। ये वाले ट्रक जो है इतने सही नहीं लग रहे मेरे को सारे के सारे ना, ये सिर्फ जो है ना नॉर्मल लोड के लिए होते हैं। अब टेस्ला वाला ट्रक ले आता हूँ, उससे ट्राई करता हूँ, अगर उससे खींच पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर इस ट्रैक्टर को जो है बाई रोड ही लेके जाऊँगा।
टेस्ला वाला ट्रक यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये जो है अपना बड़े वाला ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। और टेस्ला वाले ट्रक में भी मैंने थोड़े से चेंजेस कराए थे, इसका मैंने इंजन अपग्रेड कराया था। इसका इंजन अब 1000 हॉर्स पावर का हो चुका है, और इस वाले ट्रैक्टर का जो इंजन है वो 1100 हॉर्स पावर का है। तो ये रहा टेस्ला का ट्रक, और इसमें इंजन अपग्रेड की ऑप्शन आई थी। तो नॉर्मल इंजन पहले 500 हॉर्स पावर का था, और फिर मैंने अपग्रेड करा के ये वाला करा लिया, ये 1000 हॉर्स पावर का है। तो ये वाला इंजन इसमें आ चुका है, तो इसकी पावर भी अच्छी खासी है। इसको लेके चलता हूँ एक बार, देखते हैं वहाँ पे। ये भी नहीं खींच पाया तो फिर ये अपना 1100 हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर तो है ही सबसे बड़े वाला। इसके लिए बीच में एक अटैचमेंट आती है, वो लेके फिर ट्रेलर अटैच कर लूँगा, और फिर ये तो खींच ही लेगा जहाँ तक है। और ये भी नहीं खींच पाया तो फिर अपना ट्रेलर का प्लान रहने ही देंगे, फिर ट्रैक्टर्स को मैं ऐसे ही लेके जाऊँगा। और यहाँ पर ट्रैफिक रुक गया इस साइड, इधर से लेके चलता हूँ। हाँ, ये तो खींच पा रहा है, इसने खींच लिया आराम से, और ये स्पीड भी सही चल रही है इसकी, 40 तक तो पहुंच ही गया। थोड़ा सा मोड़ने में दिक्कत हो रही है, आगे से टायर उठ रहे हैं इसके। अच्छा, इसलिए नहीं मुड़ रहा। एक मिनट, इसमें पावर तो काफ़ी सही है इसका, मतलब इसको मोड़ने में थोड़ा सा इशू रहेगा, बट इतना मोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ये गधे जो है सामने से आ जाते हैं, अब निकलो, ब्रेक व्रेक तो लेते ही नहीं। रुक जा भाई, इतना बड़ा ट्रक मुड़ रहा है तो तू थोड़ा सब्र नहीं कर सकता? अबे हट जा, थोड़ा सा पीछे कर ले इसको। और ट्रक पे इतना लोड पड़ रहा है, ट्रक के टायर उड़ गए हवा में। ये नीचे आया और अब फिर से जो है हवा में टायर उड़ गए। ये इतने टायर हवा में उठ रहे हैं, ये पूरा ट्रक आगे से व्हीली मार रहा है। अरे कितना ऊपर जाएगा, अरे चल ले, ये तो पूरा, ये तो चलने की जगह आगे से उठे जा रहा है। ओ भाई नीचे आ, ये गाड़ी वाला ऐसे हटेगा नहीं, मुझे ही थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। निकाल भाई, तू निकाल ले पहले, मैं जब मोड़ूंगा। ये तो यहाँ से ऐसे आते ही रहेंगे और फंसाते रहेंगे, इससे पहले कोई आए मैं यहाँ से फटाफट से इसे सीधा कर लेता हूँ। एक बार सीधे रोड पे आ जाए फिर तो इशू नहीं है। अब सीधे रोड पे आ गया, ये ट्रैक्टर थोड़ा टेढ़ा खड़ा हो रखा है वैसे, पर बेल्ट से बंधा हुआ है, गिरेगा तो नहीं। ये ट्रक तो आराम से खींच पा रहा है, 80 की स्पीड तो पहुँच ही गई, और ये अब 100 तक भी पहुँच जाएगा ईजिली। 100 भी पहुँच गया, और यहाँ से थोड़ा सा मोड़ने में इशू हो सकता है, कि मेरे को आगे वाला मोड़ लेना है, यही वाला ले लेता हूँ, इससे खेतों में से ले लूँगा। बस यहाँ से तो इजीली आ गया। तो ये टेस्ला का ट्रक ठीक है, इसे यूज़ कर लूँगा ट्रेलर के ऊपर, तो अपना जो है इतना ही मुझे यहाँ पर ट्रैक्टर या अटैचमेंट वगैरह लेके आनी है, वो मैं ईजिली लेके आ जाऊँगा। और ये एक ट्रैक्टर मैं जो यहाँ पर लगा रखा था, इसने भी जो है काम कर लिया है। बस इस ट्रक को यहीं पार्क कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाले खेत सारे मैंने परचेज कर लिए हैं, इधर वाले भी, वो सामने वाले दो खेत भी, और इसके यहाँ पे पीछे एक खेत है वो भी। तो इन दोनों खेतों में तो कल्टीवेटर का काम कंप्लीट हो चुका है। इस वाले ट्रैक्टर को उतार के यहाँ पे सीडर लगाना शुरू करता हूँ। पहले तो बेल्ट सारी खोलनी पड़ेगी, बेल्ट खुल गई, अब बस इसे उतारना है। उतारने में तो कोई दिक्कत नहीं, उतारने में तो इसे मैं ऐसे भी कुदा दूंगा ट्रेलर से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। टायर काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसमें कुछ इशू नहीं होने वाला। ये उतर गया, अब बस इसे पहले सामने वाले खेत में लगाना शुरू करता हूँ। वर्कर असाइन कर दिया है यहाँ पे, और इस वाले खेत में जो है ना अभी तो कल्टीवेट किया था, ये थोड़ी सी जो है ना घास फूस भी उगी है, तो अभी यहाँ पे सीडर जब ये काम करेगा तो फिलहाल तो ये हट जाएगी, बट ये मुझे पता है फिर से उग जाएगी। और यहाँ पे ट्रैक्टर के टायर के निशान जो है खेत में काफ़ी सारे हो गए। एक बार यहाँ पे सीड्स वगैरह सब लग जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लाके एक बार स्प्रे कर दूंगा, तो ये घास फूस फिर से नहीं उगेगी। और ये जो है यहाँ पे रेजिन्स बनाने की फैक्ट्री है, और इससे जो है ग्रेप के रेजिन्स बनते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने एक खेत परचेज किए हैं जो बड़े वाले, ये वाला खेत है, एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा ऊंचा नीचा इलाका है, ये काफ़ी बड़ा खेत है। और वो जो दो खेत हैं, वो दोनों खेत मैंने ग्रेप्स के लिए सोचे हैं कि उनमें मैं ग्रेप्स लगाऊंगा, और इसमें मैं यहाँ पे ओलिव वगैरह लगा दूंगा। और ये वाली फैक्ट्री भी मैं परचेज कर ही लेता हूँ, क्योंकि जो ग्रेप्स अपने निकलेंगे यहाँ से, वो मैं अपने यहाँ पर स्वीट एंड सार रेजिन्स वाली फैक्ट्री के अंदर उन्हें रेजिन्स में कन्वर्ट कर लूँगा। और अभी इसको परचेज करने के लिए देख लेता हूँ क्या प्राइस चल रहा है इसका। इसका प्राइस चल रहा है अभी 80,000 यूरो, तो इसको परचेज कर लिया। 80,000 यूरो तो कुछ नहीं है, अब तो काफ़ी अच्छा खासा बैलेंस आ रहा है। ये वाली फैक्ट्री भी अपनी हो चुकी है, अभी जो भी ये प्रोसेस कर रही है, इससे जो प्रॉफिट आएगा वो भी जो है अपना ही हो जाएगा। और उसके बाद अपने खेतों से जो है ग्रेप्स आएंगे ही, उन्हें तो यहाँ प्रोसेस कर लूँगा। और ये काफ़ी जल्दी जल्दी काम कर रहा है, ये काफ़ी बड़ा सीडर है,
ये वाला खेत तो जो है ये अभी 2-3 बार में कर देगा, उसके बाद ये वाले में लगा दूंगा। और अभी जो अपना कल्टीवेटर खड़ा हुआ है उसको जो है एक खेत में और कल्टीवेट करने लगा देता हूँ। अगर कल्टीवेट नहीं हो रखा होगा तो लगाना पड़ेगा। इन तीनों खेतों को तो भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि इनमें तो अप्रैल मई के मंथ में ऑलिव्स और ग्रेप्स लगेंगे। ये सामने वाले फील्ड में तो कोई क्रॉप लगी हुई है, इधर वाला भी कल्टीवेट ही हो रखा है और ये भी सारे कल्टीवेट हो रखे हैं, तो कल्टीवेटर की तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं। इधर भी जो है ये कल्टीवेट ही हो रखा है फील्ड ना, तो एक काम करता हूँ इसको फोल्ड करके यहाँ ही पार्क कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक ट्रैक्टर्स की पार्किंग बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने काफ़ी सारे खेत तो परचेज कर लिए हैं, कोई पार्किंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ पार्किंग बना के ना कुछ ट्रैक्टर्स को परमानेंटली यहीं पर छोड़ दूँ, क्योंकि खेतों पर ज़रूरत तो पड़ेगी और अपने ज़्यादातर खेत तो अभी यहीं पर ही हैं। उधर की साइड तो कोई खेत वैसे बचा ही नहीं है, उधर तो सारा मैंने एनिमल्स का ही काम कर लिया है। यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक जो है पार्किंग का स्पेस बना ही लेता हूँ। ये अपने इस वाले खेत में यहाँ पर जगह है वैसे पार्किंग की, और अगर और कहीं मैं जगह देखूं तो ये तो अपनी जगह है नहीं। ये यहाँ पे इतनी जगह अपनी है, और ये अपना जो है सोलर फार्म के पास नहीं, इधर रहता हूँ जब मैं ट्रैक्टर को लेके क्यों आऊँगा, यहाँ तो मुझे सोलर फार्म ही लगाना है। कहीं फ्लैट सरफेस देख लेता हूँ, एक ये खेत भी तो अपना ही है। इस खेत में वैसे काफ़ी सारी जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सीधा लग जाएगा। और ये वाला ठीक है यहाँ पर जो है इसके हिसाब से, बस ये लग गया। और इस ट्रैक्टर को वहीं ले चलता हूँ, सामने की तरफ ही है वो रहा, वहाँ पे सामने दिख रहा, उसी में पार्क कर देता हूँ। और ये यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नीचा हो गया, क्योंकि इस खेत के यहाँ पे भी स्लोप था, ये पूरा माउंटेन वाला है, वहाँ पे सामने कितना नीचा है और इधर कितना ऊँचा है, तो इसकी ज़मीन भी थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी। फ़िलहाल मैं ट्रैक्टर को तो यहाँ से एंटर करवा देता हूँ, ये इतनी जगह ठीक है, एक ट्रैक्टर तो आराम से ईजिली एंटर हो जाएगा। और ट्रैक्टर यहाँ से एंटर करा के इधर पार्क कर देता हूँ ऐसे। बस ये तो पार्क हो गया, और इसको थोड़ा ठीक करने का देख भी लेता हूँ, क्योंकि इतने में यहाँ से तो ट्रैक्टर का कोई मतलब नहीं होता ऊपर चढ़ने का या उतरने का। इसको थोड़ा सा देखता हूँ यहाँ से ज़मीन ठीक हो जाए तो ये थोड़ा सा मैंने सही कर तो दिया, अपने ट्रैक्टर के जाने लायक वैसे हुआ नहीं है। ये ज़मीन जो है काफ़ी ज़्यादा ऊँची नीची होगी, थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा, ये थोड़ी सेटल होके सही हो जाएगी। फिलहाल वैसे ट्रैक्टर ये वाला तो उतर जाएगा, इसके टायर तो काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, अभी तो एक दो ट्रैक्टर यहाँ पार्क करना है, अभी थोड़ा सा टाइम देता हूँ, ये ज़मीन थोड़ी सही हो जाएगी। अभी तो ये ऊँची नीची ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सॉफ्ट होएगी तो फिर ठीक हो जाएगी। और अपना जो मैंने वर्कर लगाया हुआ था खेत में, उसने सीड्स लगा भी दिए हैं, तो उसको दूसरे वाले खेत में लगा देता हूँ। और सीड्स तो जो है इन सारे खेतों में लगाने हैं जो ये रेडी हो रखे हैं, मतलब इन तीन खेतों को छोड़ के जो खेत हैं उन सारों में सीड्स लगाने हैं। ये तीन खेत तो मैं रिजर्व रख रखे हैं, तो इसने फटाफट से काम कर भी लिया, इसको साथ वाले खेत में ही लेके जाना है। और यहाँ पे इतना खुला स्पेस है कि मुझे जो है सीडर वगैरह को फोल्ड नहीं करना पड़ता, आराम से पूरा खेती बाड़ी वाला इलाका है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी चीज़ में अटकने की। बड़े बड़े अटैचमेंट्स भी जो है यूज़ कर सकता हूँ। इस वाले खेत में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये वाला खेत बड़ा है, और यहाँ पर अपना वर्कर काम कर रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं काम करने के लिए। और अभी जो है ऑलमोस्ट रात होने वाली है, तो एक काम करता हूँ मैं जो है यहाँ से अपना ये टेस्ला वाला ट्रक लेके चलता हूँ वापस, क्योंकि इसमें कुछ और सामान लेके आऊँगा वहाँ से, और एक बार फार्म पे चल के लाइट वाला काम भी देख लेता हूँ, और वो वाली दो गाड़ियाँ भी दिखा देता हूँ जो गाड़ियाँ में दिखाने वाला था। डाउट लोड, ये ट्रेलर इतना ज़्यादा हल्का है कि ट्रक पर लगी नहीं, ट्रेलर अटैच हो रखा है। वैसे तो इस ट्रक पर ज़्यादा लोड पड़ा नहीं, और जो दूसरे वाले ट्रक थे वो नॉर्मल खाली ट्रेलर को तो जो है आराम से खींच पा रहे थे, और जब पीछे ट्रैक्टर लोड किया तब तो वो खींच ही नहीं पाया। 8 की स्पीड क्या होती है, 8 की स्पीड की पे तो मैं जो है ट्रैक्टर को वैसे ही ले आऊँगा यहाँ पे। और अभी ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला ही है, और यहाँ पे ये रोड्स की लाइट भी ऑन हो गई, ये तो काफ़ी सही लग रही है। और अपने इस टेस्ला वाले ट्रक की लाइट भी ना ऑन कर लेता हूँ, अभी तो सिर्फ DRL ऑन है, ये लाइट है इसकी ऑन हो गई, उसमें पीछे भी लाइट है, यहाँ पे पीछे सारे में जो है इतनी रोशनी कर दी है, और अंदर भी लाइटें हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम रात को यूज़ कर रहा हूँ इस वाले ट्रक को, तो इसलिए जो है इसकी लाइटें वगैरह सब देखनी पड़ रही है। और अंदर लाइटें, ये दो लाइटें काफ़ी तेज़ हैं, ये पूरे अपने केबिन में यहाँ पे सारे में रोशनी कर रही हैं। और ये बंद कर दिया तो अंधेरा हो गया, और अभी सिर्फ नॉर्मल लाइट्स ऑन है, और स्टेयरिंग में भी लाइट है, ये लाइट जल गई स्टेयरिंग की, ये काफ़ी सही आती है। और नॉर्मल सिर्फ आगे की लाइट ऑन करूँ तो इतनी रोशनी हो रही है, और पीछे की लाइट ऑन करने पर इतना, और ये अंदर की लाइट भी ऑन कर ली, ऐसे ठीक है, अब सही लग रहा है। लाइटें तो यहाँ पे काफ़ी सारी लगी हुई हैं, और इन लाइटों की वजह से वैसे दिक्कत मुझे काफ़ी ज़्यादा होती है, जो रोड पे लाइटें लगी हुई हैं ये जो है बार बार इनमें कुछ ना कुछ अपना ट्रैक्टर वगैरह अड़ जाता है जब मैं कोई बड़ी अटैचमेंट लगा के लेके आता हूँ। इसको इतना ही छोड़ देता हूँ,
और अपनी पार्किंग क्या सही लग रही है लाइटों में रात को। इसकी लाइटें तो काफी ज्यादा अच्छी हैं, गाड़ियां क्या सही लग रही हैं इस लाइट में। ये वाली पार्किंग में जो है पहली बार मैंने लाइट्स देखी हैं, और वैसे यहाँ पे मैंने बीच में थोड़ा एक पत्थर का बनाया है, यहाँ पे मैं फाउंटेन लगाने के चक्कर में हूँ, बट अभी जो है उसके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। जैसी अवेलेबल जाएंगी मैं यहाँ पे भी कुछ पानी का बनाने वाला हूँ। और इधर ये अपनी BMW है, तो कुछ ज़्यादा ही चमक रही है रात को लाइट्स में। तो ये वाली लाइट तो काफ़ी अच्छी है पार्किंग की। और जो मैंने लाइट्स लगाई थी दूसरे वाली, जो यहाँ पे मैंने काओ बांध के साइड में लगाई थी, नई लाइट्स आई थी, इन्हें भी एक बार देख लेता हूँ। ये वाली लाइट्स तो जो है ठीक ठीक हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बस एक जगह फोकस मार रही हैं। तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, और कोई दूसरी लाइट लगाता हूँ। अपने काओ बांध की अंदर की लाइटें भी देख लेता हूँ। इस वाले काओ बांध की अंदर की लाइट्स का कलर भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये जो लाइट्स का कलर है ये काओस के हिसाब से है, कि काओस को जो है लाइट में अनकम्फर्टेबल फील ना हो, तो एनिमल्स के लिए ये वाली लाइट जो है सही रहती है। और ये सारे काओ बांध के अंदर सेम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अंदर काओ बांध लाइट ऑन होने के बाद। उस वाले काओ बांध में भी लाइट ऑन हो गया, वहाँ भी हो गया। और ये वाली जो लाइट है ना, ये थोड़ी मेरे को यहाँ पे ना ये सही नहीं लगी, इनको बस किसी चीज़ पे फोकस करना हो ना तब लगाऊंगा। और एक मैंने दूसरी तरीके की लाइटें लगाई हैं, वो भी सामने वो देख लेता हूँ, वो गार्डन वाली लाइटें हैं, ये मेरे को सही लग रही हैं। तो ये वाली लाइटें अच्छी हैं, ये काफ़ी ब्राइट है, ऐसी ही लाइटें लगा देता हूँ। और एक लाइट मैं सोच रहा हूँ कि बीच में यहाँ पे बड़े वाले लगा दूँ जो पूरे में रोशनी कर सके। और ये वाली लाइटें मैं अपने काओ बांध के यहाँ साइडों में लगा देता हूँ। सबसे पहले तो एक बड़ी वाली लाइट लगाऊँ यहाँ पे, ये वाली लगा देता हूँ यार साइड में ना, ये सारे में रोशनी कर देगी। एक लगा देता हूँ इस काओ बांध के लिए, इस काओ बांध पे यहाँ रोशनी हो गई। और एक लगा देता हूँ यहाँ पे इस साइड से जो है इधर की साइड रोशनी हो जाएगी। और एक इस साइड भी लगा देता हूँ, इधर तो ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, इधर छोटी लाइट्स में लगा सकता हूँ। एक यहाँ लगा दी, इधर तो नहीं लग पा रही, इधर वैसे ज़रूरत है नहीं। और जो है ये वाली लाइटें मुझे लगानी है, ये बड़े वाली है या एक छोटे वाली भी आती हैं, ये छोटे वाली भी ठीक लग रही है यहाँ पे, ये छोटे वाली लगा देता हूँ ताकि जो है दूर से दिख सके अपने काओ बांध की फेंसिंग। बस इतना काफ़ी है, अब तो जो है काफ़ी सही हो गया है यहाँ पे। और अपने फार्म की लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं, और फार्म पे भी चल के देख ही लेते हैं। ये जो बड़े वाली लाइटें लगाई ना, ये काफ़ी सही हैं, इतने ऊपर लगी हुई हैं और यहाँ पे प्रॉपर एकदम रोशनी कर दिया है। और ये वाली लाइटें वैसी लाइटें हैं जैसी स्टेडियम्स वगैरह में लगी होती है, तो ये स्टेडियम वाली लाइटें ही है, सही है यहाँ पे, तो अब इतना अंधेरा नहीं रहेगा। और सबसे सही तो अपनी पार्किंग वाली लाइटें लग रही हैं, और अभी ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली हो, तो इस ट्रक को तो यहीं पार्क रहने देता हूँ, इसको सुबह देख लूँगा। मेरे को वहाँ से और ट्रैक्टर वगैरह परचेस करके जाने हैं, और अपने फार्म पे जो काफ़ी सारे ट्रैक्टर पार्क हो रखे हैं उसमें से भी आधे ट्रैक्टर मेरे को उसी जगह भेजने हैं, क्योंकि वहाँ पे अब जरूरत पड़ने वाली है ग्रेप्स के लिए, ओलिव के लिए, और जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इधर तो जो है काफ़ी सही लाइटें लगी हुई हैं, और ये जो मैंने बिल्डिंग लगाई है इसकी लाइटें काफ़ी सही हैं। और ये वाली लाइटें तो पुरानी है, ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाई थी जब मैं इस फार्म पर नया नया आया था। और इधर जो है अपना सुपरमार्केट वगैरह तो अभी बंद हो गया, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये अपनी डेयरी में दो लाइटें हैं, और इसमें अंदर काम चल रहा है अभी, मतलब इसमें बटर वगैरह बन रहा है। इधर बेकरी भी अपनी स्टार्ट है, और ये वाली बिल्डिंग में तो यहाँ पे तो अपने वर्कर रह ही रहे हैं, इसलिए सारी लाइटें ऑन है। उधर की साइड भी जो है लाइटें ऑन होनी चाहिए, और बीच में काफ़ी ज़्यादा गड्ढा हो रहा है, ज़मीन मुझे ठीक करनी है अभी। ठीक है, यहाँ पर तो शायद सब सो भी गए हैं, लाइट वगैरह बंद हो गई है, रेस्टोरेंट भी बंद हो गया है। चलो ठीक है, मैं अभी फिर चलता हूँ अपने घर की तरफ। और यहाँ पे मैंने एक लाइट लगाई थी अपने डॉगी के लिए, और डॉगी को एक बार देख भी लूँ, पहले तो सो गया होगा या फिर जाग रहा होगा। ये रहा डॉगी का घर, है नहीं, कहीं इधर उधर घूम रहा है, वहाँ पे उस साइड होगा। इसका खाना खत्म है, इसके लिए खाना डाल दिया, इसकी बोल वगैरह यहाँ पड़ी हुई है। और यहाँ से जो है एक बार मैं घर के अंदर चल लेता हूँ। और इधर वैसे अंदर भी लाइट है या नहीं है, यहाँ अपनी रोल्स रॉयस पार्क हो रखी है, और देखिए लाइट तो फिलहाल बंद है, चलो इसको बंद ही कर देता हूँ। इधर यहाँ पे लाइटें अपने गार्डन में तो हैं, गार्डन में तो मैंने काफ़ी सारी लाइटें स्टार्टिंग से ही लगा रखी हैं, और इन लाइटों को पावर मिलती है इस छोटे से विंड जनरेटर से। ये छोटा सा विंड जनरेटर है, बट इन लाइटों के लिए सफिशिएंट पावर जो है प्रोवाइड कर देता है। बाकी कुछ लाइटें वहाँ पे लगी हुई हैं, और इधर अभी लाइटों का काम तो नहीं करता, क्योंकि इधर जो है पार्किंग में थोड़े से चेंजेस करने हैं, उसके बाद यहाँ पर लाइटें लगाऊंगा। और वैसे मैं वो दो गाड़ियाँ दिखाना भूल गया, वो दो गाड़ियाँ भी दिखा देता हूँ। अभी देखता हूँ अंदर अंधेरा कितना है, और अगर थोड़ी रोशनी हुई तो दिखा दूंगा, क्योंकि इस वाले में जो है यहाँ पे लाइट वगैरह तो है नहीं। ये है अपनी दो गाड़ियाँ यहाँ पे, और यहाँ पे तो एक भी लाइट नहीं है, क्योंकि ये जो शेड है पार्किंग वाली ये काफ़ी पुरानी है, इसमें लाइट वगैरह तो अंदर है ही नहीं। मैं जो है अपनी लाइट ऑन कर लेता हूँ,
और ये हैं वो दोनों की दोनों गाड़ियाँ। इसमें जो एक तो ये रेंज रोवर है और एक ये रैम का पिकअप ट्रक है। इसमें पीछे ट्विन टायर्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसमें ये वाली अटैचमेंट भी है जिससे ये ट्रेलर को भी खींच सकता है, मतलब ट्रक वाला काम भी कर सकता है। और ये पूरा कस्टमाइज है, उसका इंजन भी ट्यून्ड है और ये वाली गाड़ी भी जो है पूरी कस्टमाइज है। और ये मेटालिक कलर में अभी रात को ऐसी लग रही है। और नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों गाड़ियों को यूज़ करूँगा। और ये ट्रक तो जो है काफ़ी ज़्यादा सही है, इसमें मैं ट्रेलर वगैरह अटैच करके उसे भी खींच के देखूंगा। तो आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।